जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। जिस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का, एक मैंने वीडियो बनाया था इसके पहले ही, जैसे उसमें हम लोग कमांड दिए थे, ऑर्डर दिए थे कि गो देयर, राइट माय नेम, इस तरह का सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ किए थे उसमें। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसी का नेगेटिव है कि अगर कमांड नहीं देना हो, जैसे कि काम नहीं करने के लिए अगर बोलना है, ठीक है, कमांड देना है बट क्या करना है कि उसको काम, किसी को काम करने से रोकना है। तो इस तरह का सिचुएशन में जैसे कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये खाना मत खाओ, तुम दरवाज़ा मत खोलो, इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा दोस्तों तो उसको आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आज इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे उसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी करें वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है ऑर्डर और कमांड का, इसका हम लोग डोंट वाला यानी कि नेगेटिव वाला यूज़ करने वाले हैं। तो सेम इसमें भी करना है, भरवन लगाना है, देखिए डू नॉट है, बस इसके बाद नॉट लगा देना है। आगे देखिए प्लस भरवन, बस ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर भरवन हर हालत में लगेगा, ठीक है। ये हमारा जो है डोंट, ये जो है हमारा ऑक्सिलरी भर्ब कह सकते हैं या हेल्पिंग भर्ब कह सकते हैं, जिसके कारण हमारा सेंटेंस अच्छे से बन पाता है। तो ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस को ऐसे हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे, एग्जांपल्स कुछ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग बोले थे, हम लोग इसके पहले पढ़े थे गो देयर, यानी कि गो देयर जब बात करना है, कहने मतलब है किसी को कमांड देना है कि वहाँ जाओ, तो हम लोग बोलते थे गो देयर। लेकिन अगर कमांड देना है कि वहाँ नहीं जाओ तो डोंट गो देयर, क्या बोलेंगे उसको, डोंट गो देयर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डोंट ओपन द विंडो, यानी कि खिड़की मत खोलो। हम लोग पहले पढ़े थे ओपन द विंडो या तो ओपन द विंडो, ठीक है गाइज। तो जब इसको बोलना है कि खिड़की मत खोलो तो डोंट ओपन द विंडो, ओके गाइज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। देखिए डोंट ड्रिंक वाइन, यानी कि शराब मत पियो, ठीक है। यानी कि जब हम किसी को पीने के लिए बोलते हैं तो ड्रिंक वाइन बोलेंगे कि पियो शराब, और जब नहीं पीने का बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे डोंट ड्रिंक वाइन, इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल डोंट किल रेट्स, यानी कि चूहों को मत मारो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डोंट जो लगा रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को नेगेटिव में बदल दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ एक्सरसाइज के लिए। डोंट कॉल मी योर फ्रेंड, तुम मुझे अपना दोस्त मत कहो, ठीक है। देखिए ये भी सेंटेंस जो है इसी तरह का है, ठीक है। तो डोंट कॉल मी योर फ्रेंड, तुम मुझे अपना दोस्त मत कहो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। इस तरह के सेंटेंस को आप इसी तरह से बोलेंगे, डोंट टेल अ लाई, ओके। नेक्स्ट डोंट सपोर्ट देम, उन लोगों का साथ मत दो। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जब किसी को ये बोलना होता है जैसे कि कोई बुरा इंसान है तो उसका साथ भला हम क्यों दें, ठीक है, ये बात हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं अपने फ्रेंड को कि हे डोंट सपोर्ट हिम प्लीज़, या तो डोंट सपोर्ट देम प्लीज़, ओके। तो इस तरह का सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल फोर देखते हैं। डोंट हेल्प हिम, उसका मदद मत करो, ओके गाइस, सेंटेंस क्लियर होगा। सेंटेंस फाइव देखिए, डोंट लिसन टू हिम, उसकी बातों को मत सुनो, बिल्कुल भी मत सुनो, वो बकवास करता है ना। तो इस तरह के जब लोग कोई बकवास करते हैं तो उसकी बातों को सुनने से हम किसी को ज़रूर रोकते हैं कि उसका बात को क्यों सुनते हो आप, है ना। डोंट लिसन टू हिम, उसकी बातों को सुना ही मत करो तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोंट एक्ट लाइक ए स्ट्रेंज, एक अजनबी की तरह बिहेवियर या एक अजनबी की तरह बर्ताव मत करो, ठीक है, एक अजनबी की तरह बर्ताव मत करो। तो इस तरह का सेंटेंस जो है दोस्तों इसी तरह से बनाया जाता है, ओके। सेवन नंबर का सेंटेंस देखते हैं, डोंट वेस्ट मनी, यानी कि पैसा बर्बाद मत करो। दोस्तों पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है ना, इसीलिए तो ये सेंटेंस बनाया गया है ताकि किसी को जब मना करना हो इंग्लिश में कि पैसा बर्बाद मत करो तो उसे कैसे बोलेंगे। तो गाइस क्या बोलेंगे, आज के बाद तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। डोंट वेस्ट मनी, पैसे को बर्बाद बिल्कुल भी मत करो, ओके गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एट नंबर, डोंट हेट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बिल्कुल भी नफरत मत करो। दोस्तों अपने दोस्तों से बिल्कुल भी नफरत मत करिए, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। हमें अपने दोस्तों से नफरत नहीं करना चाहिए, भले हमारे दोस्त कुछ होते हैं जो मतलब शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे लाइफ के साथ खेल करते हैं, लेकिन दोस्तों घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्तों से नफरत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्त जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको समस्या में वो लोग खुद ही डालते हैं और उस समस्या से बाहर भी आपको वो लोग खुद ही निकालते भी हैं। तो दोस्तों इस तरह के दोस्त होते हैं, तो दोस्तों से बिल्कुल भी नफरत मत करिए। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोंट हेट योर फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस,
डोंट वॉक फास्ट, यानी कि तेजी से मत चलो। ठीक है, जब हम लोग तेजी से चलने का बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, डोंट वॉक फास्ट, यानी कि तेजी से बिल्कुल भी मत चलो भाई, गिर जाओगे, पैरा टूट जाएगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट है 10 नंबर का, देखिए डोंट डिस्क्लोज माई सीक्रेट, मेरे रहस्यों को बिल्कुल मत खोलना। ठीक है, यानी कि मेरे रहस्यों को खोलना ही मत, ये आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको नेगेटिव तौर तरीके से इसी तरह से बनाया जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि मेरे चैनल को और सपोर्ट मिले और मैं और चैनल को आगे बढ़ा सकूं, और आप लोगों का मदद से ज़रूर बढ़ जाएगा। आप लोगों का ऐसे भी बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों, तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, इसलिए मेरा चैनल जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये सब आप लोगों का सपोर्ट के कारण ही हो पा रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहूँगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही,